स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होता है, और ये दोनों तभी संभव है जब आप योग करें। योग उतना ही ज़रूरी है जैसे सांसों की ज़रूरत है। अगर आप योग करते हैं तो आपका जीवन तो सुखमय रहेगा, उत्तम रहेगा स्वास्थ्य। और ये दोनों बैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज से होगा। ये दोनों अगर आप नियमित करते हैं, इस योग और योगाभ्यास को निरंतर रखते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। आप रोग रहित और स्वास्थ्यवर्धक रहेंगे। दोस्तों, आज 21 जून है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। मनाना ज़रूरी नहीं है, करना ज़रूरी है। और ये क्यों मनाया जा रहा है, क्यों ज़रूरत है इसकी, ये भी दो लाइन में बताती हूँ। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में और आप इस अच्छे अद्वितीय कार्य को अभ्यास करें, प्रत्येक दिन अपने जीवन में अवतरित करें, कम से कम 20 से एक घंटे जो भी टाइम मिलता है आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, आपको एक सवाल ज़रूर जहन में आया होगा, वो ये कि आखिर 21 जून को ही क्यों स्वास्थ्य दिवस, योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय तौर पे मनाया जाता है। तो भारत में मनाने का जो कारण है, इसका मुख्य जो रीज़न है, ये है कि ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, और सूर्य दक्षिणायन की ये स्थितियाँ बहुत अद्वितीय होती है योगाभ्यास के लिए या ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए। और इस समय किया हुआ एक्सरसाइज, योग आपके मन, अध्यात्म, मेंटल स्टेटस और फिजिकल स्वास्थ्य, गुड हेल्थ के लिए बहुत ही अद्वितीय होता है, उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है। इसलिए 21 जून के दिन यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथ में आपको जो मैं बार बार निवेदित कर रही हूँ, और मैं यह आशा रखती हूँ कि मेरा ये निवेदन आप स्वीकार करेंगे। तो गाइस, फ्रेंड्स, मेरे बड़े, जिस भी उम्र में आप हैं, मेरी माताएं, आप अपने कामों से थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें और ये योग एक्सरसाइज ज़रूर करें। 20 मिनट का ही करें, ज़रूर करें। अगर 20 मिनट आप एक्सरसाइज करते हैं तो महीने की 20 गोलियां, टैबलेट्स आपको कम खाने पड़ेंगे। 10 बीमारियों का सामना आप बिल्कुल दूर दूर तक रहेंगे, करना ही नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।